कान्हा वृंदावन के संकटों को दूर करने में इतना उलझा हुआ है कि वो अपनी गोपियों के साथ रास रचाना ही भूल गया। तुम सत्य कह रही हो सुगंधा, आजकल ना ही वो हमारी मटकी फोड़ता है और ना ही माखन चुराता है। ये क्या, तुमने मेरा दुपट्टा क्यों खींचा? अरे मैं भला तुम्हारा दुपट्टा क्यों खींचूंगी? ये क्यों लेके तुम्हारा दुपट्टा? हे भगवान, मेरा भी दुपट्टा। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, फिर भी कोई हम सबके दुपट्टे ले गया। इसका तो केवल एक ही अर्थ है, ये किसी असुर का कार्य है। असुर? असुर? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भागो भागो। ये ग्वाला स्वयं को समझता क्या है? जब देखो हमारी बात काट देता है। हम उससे कभी बात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। बचो। गोपियों क्या हुआ, तुम सब इतने भयभीत क्यों हो? दादा, किसी ने हमारे वस्त्र चुरा लिए। वस्त्र चुरा लिए? अर्थात? हम लोग जल भरने के लिए यमुना जा रहे थे, तभी किसी ने बिजली की गति से हमारे वस्त्र खींच लिए और हमें पता भी नहीं चला। हमें तो लगता है कि ये किसी असुर। नहीं गोपियों, असुर प्राण लेते हैं, वस्त्र नहीं। हम समझ गए कि ये किसका कार्य है। तो बताओ राधा, किसने लिए हमारे वस्त्र? हाँ राधा बताओ, किसने लिए हमारे वस्त्र? आओ हमारे साथ, हम बताते हैं कि किसने चुराए हैं वस्त्र। चलिए। अरे महाराज हिरण्यकश्यप जी, मथुरा नगरी में आपको स्वागत है। भगवान कंस के आदेशानुसार जे प्रेत भद्राच आपसे कछु विनंती करबो चाहतो है। आप तो स्वयं इतने सक्षम हो, महाबलशाली हो, महाप्रतापी हो, असुरों के असुर हो, महाअसुर हो, महाराज हिरण्यकश्यप हो। फिर स्वयं अपने प्रसाद लेने काहे नहीं गए वहां? अपनी बहने मन ने काहे भेज दियो? नहीं, ये बात सुनने में बुरी लग रही है, पर मुझे कहने में और बुरी लग रही है। अरे जे सत्य है, आज तक जितने भी असुर किए सबके सब नहीं समझे मक्खन, नहीं समझे, अरे मर गए। मोए भय है महाराज कि आपके बहन प्रेम में कहीं बा होलका को कंस नाम सत्य न है जाए। भद्राक्ष, हमारी बहन होलिका बालकों के लिए साक्षात काल है। अरे ये काल है तो वो महाकाल है। अरे वो दिखने भरे को बालक है, पर बल में वो विष्णु से छटांग भरे को कम नहीं है। कितने असुर, उतना इतना अघासुर बकासुर, कितने सुर, सबको खेल खेले में काम मक्खन कर दियो। मैं तो कह रहा हूँ महाराज, जासे पहले कि वह छलियों को आपकी योजना को पता चले, आप वज्रमठ पे आक्रमण कर दो। काना को और वज्रमठ वासियों को कंस नाम सत्य कर दो, आप तीनों को प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। बात तो तू सत्य कह रहा है, उस विष्णु को संभालने का अवसर ही क्यों देना है? प्रेत होकर भी तू समझदार है भद्राक्ष। मैं जानता हूँ, पर ये बात आप कंस भगवान से मत कहना, ज्यादा समझदारों की भलाई नहीं है उनके सम्मुख। समझी काकी, आपका लल्ला अभी तक सुधरा नहीं है, कितना भी समझा लो किंतु उसकी चोरी की आदत अभी तक गई नहीं है। किंतु राधा बिटिया, मेरा लल्ला किसी के वस्त्र क्यों चुराएगा? हम बताते हैं काकी, ये तो आज तक किसी को पता नहीं चला कि ग्वाला माखन क्यों चुराता है, बछड़ों को चोरी से दूध क्यों पिलाता है, लोगों की मटकियाँ क्यों फोड़ता है, किंतु करता सब वही है, इसलिए वस्त्र भी उसी ने चुराए हैं। राधा बेटिया, यदि लल्ला ने इस बार वस्त्र चुराए होंगे ना, तुम देखना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ताकि जब आप उसे पकड़िएगा तब पकड़िएगा, पहले सबके वस्त्र तो दिलवा दीजिए।
लल्ला, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्यों वस्त्र चुराए तूने गोपियों के? मैया, यह क्या कह रही है? मैंने कहा चुराए गोपियों के वस्त्र? यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो दाऊ से पूछ लीजिए, मैं उनके साथ आम मन में था, है ना दाऊ? कितने ना समझ है ये लोग, जो इस सृष्टि के पालनहार है, जो सभी को जीवन भोजन वस्त्र देते हैं, उस प्रभु पर ही ये लोग वस्त्र चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दाऊ बोले ना, मैं आपके साथ आम मन में था ना? हाँ काकी, कान्हा मेरे साथ ही था। दाऊ सब समझ रहे हैं, आजकल आपके सुर बदले बदले हैं, आजकल आप कान्हा का कुछ अधिक ही पक्ष ले रहे हैं। नहीं राधा, कान्हा मेरा कोई प्रभु थोड़ी ना है, है ना कान्हा? हाँ बलराम, तुम ये सब छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि गोपियों के वस्त्र चुराए किसने? मैया जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। ये कौन है जो मेरे प्रभु अर्थात प्रभु के स्थान पर कान्हा को पुकार रहा है? हमारे वस्त्र किसी ने छीन लिए। परंतु किसने? वो तो पता नहीं कान्हा, किंतु हम सब सका गैया चढ़ा के आ रहे थे तभी। आजकल वन में आनंद ही नहीं मिलता। आजकल तो कान्हा हमारे साथ आता ही नहीं है वन में। जीवक अपनी पगड़ी संभालो, देखो हवा में उड़ रही है। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो हवा भी इतनी तीव्र नहीं है, तो सबकी पगड़ी कैसे उड़ रही है? लगता है कोई असुर है। भागो! लगता है हमें किसी ने पकड़ के रखा है, अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। स्वयं चलकर उसे देखना होगा। दाऊ चलिए, मुझे लगता है इसके पीछे कोई तो है जो वस्त्र चुराकर विनानासियों का जीवन संकट में डालना चाहता है। हाँ कान्हा, तुम सत्य कह रहे हो, चलो चलो सखाओ। विष्णु, तुमने वस्त्र से ही अपने भक्त की रक्षा की थी और मुझे अग्नि में जलने दिया था ना, अब यही वस्त्र इन वृंदावन वासियों के अंत का कारण बनेगा। और मैं भी देखती हूं तुम इनकी रक्षा कैसे करते हो। परम अवतार, ये गांठ मैं तुम्हारे भक्तों की भक्ति में बांध रही हूं। अभी तो मैंने केवल कुछ ही लोगों के वस्त्र चुराए हैं,
सभी वृंदावन वासियों के वस्त्र चुराऊंगी मैं, और ये वस्त्र ही सबके अंत का कारण बनेगा। होलिका नाम है मेरा, सबको जलाकर स्वाहा कर दूंगी। काना, मेरी पगड़ी ऐसे हवा में उड़ी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई। काना, अब तो मैं बाहर ही नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है कि बाहर कोई प्रेतनी घूम रही है वृंदावन के वन में, जो सबके वस्त्र इकट्ठा कर रही है। किंतु काना, ये प्रेतनी हम लोगों के वस्त्र क्यों लेकर जा रही है? उसके पास वस्त्र नहीं है क्या? धामा, वो तो इसे उठाने वाली थी। ये तो अच्छा हुआ कि केवल वस्त्र उसके हाथ आए, नहीं तो ये अब तक उसका भोजन बन चुका होता। अरे हम सब यहाँ उस वस्त्र चोर को पकड़ने की योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, व्यर्थ की बातें बनाने के लिए नहीं। काना, तुम बताओ क्या है तुम्हारी योजना? दाऊ, जब तक हम उस वस्त्र चोर को हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक हम ये योजना कैसे बना सकते हैं? किंतु ग्वाले, प्रश्न ये है कि कोई हमारे वस्त्र क्यों चुराएगा? हमारे वस्त्र चुराकर वो हमारा क्या हित कर सकता है? गोपी, गुरुदेव कहते हैं हम जिस वस्त्रों को धारण करते हैं उन वस्त्रों में हमारे आत्म तत्व का सार होता है। यदि हमें किसी का अहित करना है तो उस मनुष्य के वस्त्रों के द्वारा भी उसका अहित कर सकता है। तब तो ये संकट केवल वस्त्र का नहीं अपितु वृंदावन वासियों के जीवन का है। तो हमें क्या करना चाहिए काना? दाऊ, हमें सबसे पहले उस वस्त्र चोर को ढूंढना होगा। हमें पता लगाना होगा कि वो है कौन, इसलिए सब लोग यहाँ से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाएंगे और उस वस्त्र चोर की खोज करेंगे। तुम सत्य कह रहे हो काना। नहीं काना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। पिछली बार तो केवल धोती बची थी, अगर इस बार धोती नहीं बची तो मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। सका, कोई अकेला नहीं जाएगा, सब लोग चार चार लोगों की टोली बना के जाएंगे और उस वस्त्र चोर को ढूंढ लेंगे। सखाओ, आप लोग खुश हो जाएंगे। मैं और दाऊ। ग्वाले, यदि तुम और दाऊ एक साथ जाओगे तो हम किसके साथ जाएंगे? गोपी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं, दाऊ और तुम एक साथ जाएंगे। पर तुम मेरी पूरी बात सुनो तब ना। महाराज, अब क्या हुआ? एक छोटी सी विनंती और है महाराज, यदि आप डाक भेज में वृंदावन जाओगे, अरे तो वो काना आपको पहचान लेगो। अपनी मृत्यु को पहचान ले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अरे आप समझे नहीं ना महाराज, अरे वो पहचान लेगो तो आपके सम्मुख आएगो ही नहीं। अरे वो ताता थैया हमारे भगवान के साथ पिछले 5 वर्षों से लुका छिपी को खेल खेल रहा है। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि उस बहरूपिये का अंत करने के लिए हमें भी बहरूपिया बनना पड़ेगा। बस आप समझ गए, जब बात काम मत करने जाएगा। अरे महाराज जिक्का बना दियो, अरे गांव को ग्वालो क्यों? वृंदावन ग्वालों की धरती है, हम ग्वाले बनकर बड़ी सरलता से उस ग्वाले काना को मार सकते हैं। ये भैंस तुम्हें चरानी है बदराक्ष। अरे महाराज, जब ग्वालो बनाए तो गैया ले आते, जब भैंसा भैंसा क्यों लिया है? असुर है हम, भैंस की पूजा करते हैं, गायों की पूजा वृंदावन वासी करते हैं, वो गाना करता है जिसकी मैं हत्या करने वाला हूँ। चलो
महाराज ने मोए ग्वालो बना दियो। पिछली बार भी वो बल्लाम ने पलके धाम ने मोए ग्वाले के भेष में पहचान लियो तो कितना बार तो मालूम है कितनी पिटाई करी थी। आज भी जब पुरवाई चलती है मेरी बाई पसली दुखती है। ऊपर से ये भैंस और पकड़ा दी सका है। चाहे इसमें जितना भी क्यों ना संकट आए किंतु कान्हा ने कहा है हम उस छोर को अवश्य ढूंढेंगे। चलो ग्वाले, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उस वस्त्र चोर को हम इस वन में क्यों ढूंढ रहे हैं। गोपी, क्योंकि वस्त्र चोर जैसे लोग इसी स्थान पर रहते हैं जो निर्जन हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, जैसे कि ये महावन। यदि वो इस वन में भी नहीं मिला तो? गोपी, ये तुम क्यों कह रही हो? क्या 1 लाख गायों वाली राधा को यहाँ वह तो नहीं लग रहा? सारा बरसाना हमसे डरता है, हम किसी से नहीं डरते। क्योंकि तुम राधा जो हो। तुमने कुछ कहा ग्वाले? कुछ नहीं गोपी, मैं तो ये कह रहा था कि इस दिशा में नहीं तो किसी और दिशा में वो वस्त्र चोर होगा या होगी, तो चलो किसी और दिशा में ढूंढते हम। हाँ कान्हा, तुम सत्य कह रहे हो, चलो सभी लोग चलो। आजा, ट्रर, आ, 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 आ। आजा, आ, आ, आजा, ट्रर। भैंसा, वृंदावन में? जहां तक मुझे ज्ञात है वृंदावन में तो केवल गोपालक रहते हैं, तो ये भैंसा यहाँ क्या कर रहा है? और ये लोग कौन हैं जो इस भैंसे के साथ वृंदावन में आ गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मार्ग भटक गए? संभवतः यही बात होगी। चलो मैं तो चलता हूं, किंतु मुझे जाना कहाँ है? लो, इस भैंसे के कारण मैं ये भूल ही गया कि मुझे जाना कहाँ है और करना क्या है। अब कहां जाऊं और क्या करूं? अरे हाँ, मुझे तो गौ माता के लिए चारा लेने जाना है। आज तो गौ माता क्रोधित हो जाएंगी। ग्वाले बन गए, वृंदावन आ गए, किंतु वो कान्हा दिखा नहीं अभी तक। अरे भगवान, कंस से तो 5 बरस तक ही नहीं दिखो तो। अर्थात इन बालकों में कान्हा नहीं है? नहीं है, मोए लग रहा है आप लोगों के भय से भाग के वो घर में छुप गए। बोरो वाकू घर, आप लोग आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूं।
चाहता, आप कहें तो इस घर को पाताल में धसा दूं, उस शीर सागर वासी को पाताल निवासी बना दूं। क्रोध नहीं हिरण्याक्ष, हम यहाँ इस तरह अपना क्रोध निकालने नहीं आए, अंत करना है, निश्चित ही अंत करना है उस काना का। पहले निश्चिंत होना है कि वो यहाँ है भी या नहीं। अर्थात? अर्थात हम उस परम अवतार श्री कृष्ण का अंत करेंगे, अवश्य करेंगे, किंतु उसके सम्मुख जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर।